दोस्तों फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं पंचखेरो डैम, जहां पर दोस्तों दो तीन दिन पहले ही एक घटना हुआ था जहां एक ही परिवार से 8 लोगों की हत्या हो गया था। दोस्तों वहीं पर हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि आखिर एग्जैक्ट लोकेशन कहां था, कहां पर लोग जो है डूबे थे, वहीं पर आज मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों। और ये जो आप गाँव जो आप देख रहे होंगे दोस्तों राइट साइड में, चलिए आगे मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये गाँव दोस्तों वहीं पर बसा था जहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको डैम दिख रहा है ना, बीच डैम में ही ये सब गाँव वहाँ पर सभी लोग बसे हुए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने दोस्तों वहाँ से इन लोग को हटा के नया घर दे के यहाँ पर इन लोग को बसाया है। जितना भी घर आप देखेंगे ना भाई, सेम घर आपको देखने को मिलेंगे, सेम डिजाइनिंग, सेम आपको सभी घर आपको देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट ने इन लोग को बना के दिया है। और जहाँ पर उन लोग डूबे थे भाई, वहाँ पर पूरा घर भी था, पहले कुआँ वगैरह भी था। अभी जो आप ये सब घर देख रहे हो ना भाई, सब गवर्नमेंट वाला दिया हुआ घर है, ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा सारा गवर्नमेंट का घर दिया हुआ भाई। और जहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी पंचखेरो डैम, वहीं पर इन लोगों का घर था, लेकिन डैम बन जाने के कारण वहाँ पर इन लोगों को निकाल दिया गया, ठीक है, और यहीं पर इन लोगों को बसा दिया गया है। और वहीं पर दोस्तों पूरा वगैरह कुआँ वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे नीचे में, अगर आप जाएँगे तो, जहाँ पर नाव जो पलटा था दोस्तों, जिसकी वजह से 8 लोगों की जान गई थी, वहीं पर दोस्तों वहीं पर बांस वगैरह पूरा पेड़ वगैरह अंदर में भी है, और वहीं पर लोग फंस के रह गए थे जिसके कारण बाहर नहीं निकल पाए थे। तो वहीं पर मैं अभी जा रहा हूं, फिलहाल आप देख सकते हो रास्ता भी आप शायद पहचानते होंगे। हाल ही में दोस्तों जो दुर्घटना हुआ था उसके बाद से ये डैम जो है काफ़ी चर्चित में है। चलिए मैं आगे मैं दिखाता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन क्या था दोस्तों, नाव वगैरह है कि नहीं हम लोग को नहीं पता, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही मैं आपको दिखा पाऊँगा। फ़िलहाल आप रास्ते का कंडीशन आप देख लो भाई, जब से ये बना है ना तब से रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है, बनने का तो दूर भाई, उसके बाद रिपेयरिंग भी नहीं हुआ ये रास्ता। और यहीं पर आपको गिरिडीह और कोडरमा का बॉर्डर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। आधा जो डैम है वो कोडरमा में पड़ता है और आधा गिरिडीह के क्षेत्र में। दोस्तों अभी आप मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर यह जो डैम है ये गहरा कितना है भाई। इधर जो आप देख रहे हो ना खेत वगैरह, ये जितना गहरा आपको दिख रहा है भाई, यहाँ से अगर आप नापना चाहो तो नाप भी सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो जितना गहरा आपको ये खेत वगैरह दिख रहा है उतना ही गहरा दोस्तों इधर भी है। डैम जो आपको दिख रहा है ना, दोनों दोस्तों बराबर सेम था, लेकिन डैम बनाने की वजह से बीच में जो इसको मतलब बांध दिया गया है, और इधर पूरा आपको पानी वगैरह दिख रहा होगा दोस्तों, पूरा डैम की तरफ बन गया है, ठीक है। तो ज़्यादा गहरा नहीं है, जितना गहरा आपको इधर दिख रहा होगा, जो आपको दिख रहा होगा भाई पूरा खेत वगैरह, उतना ही गहरा इधर भी है, ठीक है। यानी 60 फीट नीचे गहरा होगा इधर साइड, आप देख सकते हो काफी बड़ा है भाई। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। तो दोस्तों फाइनली आप देख ही सकते हो कि इतना बड़ा डैम है भाई, बहुत बड़ा डैम है। लेकिन जब से ये डैम बनाया दोस्तों, तब से आज तक जो है वैसा घटना नहीं घटा था जैसा कि संडे को घटा था दोस्तों। मात्र 3-4 दिन हो ही रहे हैं, 7-8 लोगों की जान जाना दोस्तों बहुत दुख की बात है। और मैं आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों जहाँ पर इन लोग का जो एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर नाव डूबी थी, वो दोस्तों वो जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, छोटा सा पेड़, यानी डैम के बीचों बीच में दोस्तों ये घटना घटा था। पता नहीं उन लोग कैसे एक नाव पर 10 लोग सवार हो गए थे भाई, नाव भी उतना कंडीशन अच्छा नहीं था, 10 लोगों के बैठने लायक नाव भी नहीं था दोस्तों, लेकिन पता नहीं कैसे लोग बैठ भी गए थे उस नाव पर। एक दिन पहले उसके कुछ लोग आए थे, बड़े लोग यहाँ पर घूमने के लिए, उसके बाद सोचे कि एक दिन के बाद हम लोग जाएंगे, बच्चे लोगों को संडे के दिन में लेकर जाएंगे और घुमा के ले आएंगे, लेकिन दोस्तों क्या पता कि संडे का दिन ही उसका जो है ब्लैक डे हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको मैं जूम करके मैं दिखाता हूँ जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर नाव डूबी थी, ये मैं आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आ गया। तो दोस्तों देख सकते हो भाई, बहुत बड़ा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, लेकिन ज़्यादा गहरा नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पर है कि नीचे में दोस्तों एक गांव बसा था, जो आपको पानी पूरा दिख रहा है ना, यहाँ पर एक गांव बसा था, यही गांव उठ के जो मैंने आपको पहले दिखाया, वहाँ पर गवर्नमेंट ने पूरा घर बना दिया है इन लोगों का, और वहीं पर सभी लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो नीचे में भाई बांस वगैरह, लकड़ी वगैरह और कुआँ वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो भाई नीचे से ऊपर आना, पानी आपको फेंकेगा भी नहीं, ठीक है, नीचे में ही आप रह जाओगे। वैसा ही हुआ दोस्तों उन लोग के साथ, 8 लोग, जब 15 सेकंड ही नहीं लगे दोस्तों नाव पलटने में, जैसे कि एक वीडियो मैंने देखा था, उसका जो एक व्यक्ति जो बचा था दोस्तों, वो बयान दे रहे थे कि 15 सेकंड भी नहीं लगा उन लोग को डूबने में।
ठीक है। तो दोस्तों आप अगर आते हो तो उधर बीच साइड में आप नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं, कोई वैसा नाव नहीं है घूमने के लिए, कुछ भी यहाँ पर आपको सेफ्टी नहीं मिलेंगे। अगर आते हैं तो भाई सिर्फ फ़ोटो वगैरह क्लिक करके पिकनिक वगैरह मना के आप जाइए और नाव पर मत बैठिएगा भाई, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा घटना, दिल दहला देने वाला घटना है, जो हमारे क्षेत्र में पंचखेरो डैम, गोरहन डैम के नाम से भी जानते हैं, मरकचो डैम के भी नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। तो आइएगा तो थोड़ा संभल के। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर लोग डूबे थे। दोस्तों फाइनली आप देख सकते हो ये डैम का कुछ सिनेमेटिक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो जो आपको एक पेड़ दिख रहा होगा दोस्तों, मैं आपको जूम करके मैं दिखाने का प्रयास मैं करता हूँ। वो जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, वहीं पर दोस्तों ये एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर नाव डूबी भी थी और वहीं पर आठों लोग जो है भाई पानी के नीचे चले गए। और बांस वगैरह नीचे में था, क्योंकि आपको भी पता है कि नीचे में दोस्तों गांव वगैरह बसा हुआ था पहले से, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर लकड़ी वगैरह होगा ही। वहीं पर आठों लोग फंस कर रह गए, बाहर आए भी नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों NDRF की टीम आके मौके पर इन लोगों को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। देख सकते हो भाई कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेंगे, पंचखेरो डैम मरकच्चू। फाइनली दोस्तों मैंने आज आपको पंचखेरो डैम यानी गोरहन डैम, अरकोसा डैम के नाम से भी इसको जानते हैं, आज मैंने आपको पूरा टूर कराया और मैंने आपको इसका रास्ता भी दिखाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भाई सेफ्टी के साथ आना, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर नाव पर चढ़ने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि वैसा नाव भी नहीं है घूमने लायक, एक भी नाव यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसे कि आपको DVC डैम में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर सेफ्टी वगैरह सब कुछ है, गाइडलाइंस वगैरह वहाँ जारी किया गया, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई यहाँ पर मत ही आना, यानी आना है तो सिर्फ घूमना और नाव वगैरह पर चढ़ने का प्रयास भी मत करना, क्योंकि भाई आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ा घटना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक।